नमस्कार दोस्तों वेदात्मा में आप सभी का स्वागत है दोस्तों चलिए जानते हैं भागवत के अनुसार सबसे पाप क्या है एवं पुण्य क्या है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे पूरा अवश्य देखें श्री कृष्ण का अनादर न करें क्योंकि इस वीडियो में भागवत ज्ञान संबंधी बातें बताई गई है इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़ कर जाने की गलती न करे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति काम लोभ और क्रोध तीनों के वश में होकर पाप करता है जब अर्जुन युद्ध से पहले घबरा गया था और उसे लग रहा था कि वह कोई बड़ा पाप करने जा रहा है तब श्री कृष्ण ने उसे गीता सार सुनते हुए पाप और पुण्य की व्याख्या से परिचित करवाया था श्री कृष्ण के अनुसार अपने कर्तव्य पथ से भागना और दूसरों की निष्ठा का हनन करना ही पाप है और अपने कर्तव्यों का पालन संपूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करना ही पुण्य है अर्जुन असमंजस की स्थिति में आकर कहते हैं केशव एक ही कर्म पाप और पुण्य कैसे हो सकता है तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं मान लो एक मनुष्य किसी कमजोर बूढ़े मनुष्य का धन लूटने के लिए उसकी हत्या कर देता है तो वह क्या है अर्जुन कहते हैं कि यह तो पाप है और यदि एक दुष्ट मनुष्य किसी स्त्री के सम्मान का हनन कर रहा हो तो उस अबला की रक्षा के लिए यदि किसी ने उस दुष्ट की हत्या कर दी तो वह क्या होगा अर्जुन कहते हैं यह तो स्पष्ट है कि, कि किसी असहाय स्त्री की रक्षा करना पुण्य ही होगा यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया है इसको और अधिक समझाते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यहाँ पर कर्म तो वही रहा किसी की हत्या करना परंतु उस कर्म के पीछे भावना क्या है करने वाले की मंशा क्या है इसी फर्क के वजह से एक ही कर्म पाप भी हो सकता है अथवा पुण्य भी हो सकता है मित्रों एक बार की बात है एक राजा बहुत बड़ा प्रजापालक था हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था वह इतना कर्मठ और नेक दिल इंसान था कि अपना सुख आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था यहाँ तक की जो मोक्ष का साधन है अर्थात भागवत भजन के लिए भी वह समय नहीं निकल पाता था एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था कि उसे एक देव के दर्शन हुए राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा महाराज आपके हाथ में यह क्या है देव बोले राजन यह हमारा वही खाता की पुस्तक है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम है राजा ने निराश युक्त भाव से कहा कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं देव महाराज किताब का एक एक पृष्ठ यू टर्न करने लगे पर परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा महाराज आप चिंतित ना हो आपके ढूंढने में कोई भी कमी नहीं है वास्तव में यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकल पाता और इसीलिए मेरा नाम यहाँ नहीं है उस दिन राजा के मन में बहुत दुख उत्पन्न हुई लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और वापस परोपकार की भावना लिए दूसरों की सेवा करने में लग गया कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वहीं देव महाराज के दर्शन हुए इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत भेद था और यह पहली वाली से काफी छोटी भी थी राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा महाराज आज कौन सा खाता अपने हाथों में लिए हुए हैं देव ने कहा राजन आज के खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय हैं। राजा ने कहा कितने भाग्यशाली होंगे वे लोग जो रात दिन भागवत भजन में लीन रहते होंगे क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है देव महाराज ने खाता खोला और यह क्या पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा महाराज मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूँ देव ने कहा राजन इसमें आश्चर्य की क्या बात है जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं जो लोग मुक्ति का लोभ त्याग कर प्रभु की निर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है हे राजन तू मत पछता कि तू पूजा पाठ नहीं करता तू लोगों की सेवा कर तू असल में भगवान की ही पूजा करता है परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बहुत ज्यादा है कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो तो कर्म बंधन में लिप्त हो जाओगे राजन भगवान दीन दयाल है उन्हें खुशामद नहीं भाती बल्कि आचरण भाता है सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो दीन दुखियों का हित साधन करो अनाथ विधवा किसान व निर्धन आज अत्याचारों से सताए जाते हैं उनकी यथाशक्ति सहायता और सेवा करो और यही परम भक्ति है राजा को आचार्य देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और अब राजा भी समझ गया कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं और जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं मित्रों जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न करता है हमारे पूर्वजों ने कहा भी है परोपकारी पुण्य भवती अर्थात दूसरों के लिए जीना दूसरों की सेवा को ही पूजा समझकर कर्म करना परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है और जब आप भी ऐसा करेंगे तो स्वतः ही आप ईश्वर के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाएंगे दोस्तों अगर यह छोटी सी कहानी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद